अभी तुरंत बोलेंगे कि रुको तो कहेंगे ना 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 हटिया हम नहीं रुकेंगे, हमको पहुँचा दीजिए तो हटिया कीजिए। अब फिर पेट्रोल जलाना पड़ेगा दोबारा। हाँ हमारा गधा बना देता है ऐसे कहे तो कपड़ा ऐसे कहे नहीं इसको रखे थे साफ करने के लिए। हाँ तो पहनता है ना। हाँ कहाँ से तू गोबर वाला खाद लाया था? ये हम घर से लाए थे। घर गया था? घर गए नहीं थे, घर से पिताजी को बोल दिए थे गाड़ी ला करके लेके आए। अच्छा कभी हमको भी थोड़ा सा ज्यादा नहीं एक दो किलो मंगवा दे। दो को तो कम मालूम है ना, तो बचा हुआ तो है। बचा हुआ तो है, अरे तो बहुत है, इतना है तो बहुत है, ये तो बहुत है, ये है तब का। एगो रखा है भाई जो है ना, उसको खर्चा किया है गाड़ी में। हम बोल मना किए उसका, एक तो सब रजिस्ट्रेशन फेल है सब चीज़, लेकिन उसको पैसा लगा दिया उसमें, समझे? तो अभी और एकदम नया जैसे चलता है। हाँ चलेगा, लेकिन उसको अपडेट नहीं कराया। अपडेट नहीं, आप बताइए, अपडेट कराने में भी तो खर्चा होता है ना। हम बोले पुराना गाड़ी में पैसा मत लगाओ। नहीं नहीं आप देखो उसमें है ना कि नज़र बचा के चलाओ। हम तो पकड़ा गए थे उस दिन, तो पकड़ा थे उस दिन मेरा भाई पकड़ा था एक बार आईटीए मोड में। सो ऐसे करके आपको गाड़ी के साथ बोला कि गाड़ी के साथ खड़ा रहूं, फ़ोटो खींच लिया और उस समय पैसा नहीं लिया। अच्छा शाम में मैसेज आया कि वाहन यू के वाहन से उसका मैसेज आ गया कि 2000 का फाइन कर चलान कटा। अच्छा ठीक तो किया। ठीक है 2000 का ना कटा। हाँ 2000 का भरेंगे फिर चलाएंगे तो फिर पकड़ाते। अच्छा ठीक है 2000 का तो मेरा मान लीजिए, खाली गाड़ी का इंश्योरेंस और हेलमेट नहीं उसका कटा है। ठीक है ठीक है, मान लीजिए गाड़ी मेरा मान लीजिए कुछ भी नहीं है, इंश्योरेंस भी नहीं है, रजिस्ट्रेशन भी नहीं है, तो फिर क्या होगा? जोर का काटेगा तब तो हम ना, ना, पहला ये चीज बता तोर नाम पर गाड़ी है कि नहीं? नहीं पूरे फेल। फेल है हाँ, लेकिन तुम्हारे नाम पर वो गाड़ी नहीं है, नहीं नहीं है ना। तब तो फंस जाएगा बुरी तरह से। हाँ बुरी तरह से फंसा जाएगा, मनमाना पैसा मांगेगा। मनमाना जितना दाम होगा गाड़ी का ना उतना मांग लेगा। हाँ उससे तुम गाड़िया रख लो। नहीं गाड़िया रखो नहीं। हाँ उसमें तुमको मगर जाल में फंसा देगा, कहेगा चोरी की गाड़ी है, चोरी का है। हम ओनर का पूरा डिटेल है मेरे पास, ओनर का पूरा जिसे हम लिए हैं उसका सारा पेपर मेरे मान लीजिए हम दिखाएंगे, उससे बात करवाएंगे तो फिर भी नहीं 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 जैसे कि ओनर से जब बात करा देगा। हाँ बात करा देंगे, उसका पेपर गाड़ी है। हाँ है उससे बात करा देंगे, उसका पेपर दिखाएंगे। हाँ तब कुछ नहीं होगा। तब फिर तब फाइन हो खाली होगा। फाइन होगा। हाँ फाइन होगा, जितना तो कहेगा ना कि इतना पैसा मांग रहा है उतना जोर के तोरा ले ही लेगा।
क्यों लेगा, हम जब बनाने के लिए दिए हैं। नहीं नहीं, हम बनाने के लिए दिए, क्या तुरंत बनता थोड़ी है, बनने में टाइम लगता है, 2-3 महीना तुरंत थोड़ी बन जाएगा। नहीं, ओकर नियम है, नियम है, यदि कागज बनवा रहे हो तो उसका स्लिप देता है। अच्छा, मैं काम MBI से काम के लिए अपना डॉक्यूमेंट जमा कर दिया, मतलब उसका पेपर और रसीद देगा वो कामयाब रहेगा। अच्छा, और रसीद वो नहीं दिखाएगा तो फॉर्म पूरा हो जाएगा, पूरा फॉर्म हो जाएगा ना, जगह नहीं तो रहा है। अच्छा, MBI का वो जो दिखाता है उसके लिए वो जो वहाँ से कटा हुआ है वही वाला दिखाना पड़ता है ना ऑफिस से, इन्हें कि हम झूठे फॉल से वो एप्लीकेशन तैयार कर दिए उसको दिखा दिए, ऐसा नहीं होगा। जाना है ना कि अब चेकिंग भी करता है ना तो पहले अंगूठा छाप नहीं रहता है, वो भी अब पहले लिखना रहता है, समझा। पहले था ना कि अंगूठा छाप रहता था, इंग्लिश नहीं पढ़ने आता था, अब तो देखते हो पढ़ल लिखल सब बेचारा। उस दिन उस दिन क्या हुआ, इनके बाबूजी को नहीं परसों दिन कई तीन चार दिन पहले छोड़ने गए थे मैडम के बाबूजी को, कहाँ हो गया था बाबूजी को, गांव गए ना सिवान। अच्छा, बस में गए थे छोड़ने के लिए। अच्छा, बाइक में हम ले गए बैठा के, तो मैडम बोली कहा कि हम जाने जाने जाएंगे ना, उन्हें मेरे घर के पीछे चलिएगा। अच्छा, तो गोल चक्करवा जो है नया मोड़वा का, तो वहाँ देखे घूम गई उधर सिवान बस स्टैंड तरफ है ना, तो हम सोचे बाप रे बाप, उधर सिवान बस स्टैंड उधर जो गल चक्का राइट साइड मुड़ी है वहीं पर तो बाई साइड में पुलिस चौकी है, वो फटाक से पकड़ लेता है। हम गोल चक्कर मुड़े भी नहीं हैं, बताइए हम उधर से कई बार पार हुए हैं, जानते होटलों में समय छिपल था, होटलों में घुसल था चेकिंग वाला, हाँ वहाँ से फटाक से एकदम निकल गया सीधा, मैं रोड पे खड़ा हो गया है, हाथ खड़ा एकदम कर दिया है, बार चाचा जी कहाँ हो गया बाबू, कहाँ गाड़ी काहे को रोक दिया, उनको पता नहीं है कुछ। अब कह रहा है क्या इंश्योरेंस का 2000 हो गया, मेरा गाड़ी का नंबर हमको फोटो लिया आगे से और पीछे से नंबर मैं चेक किया, तो नंबर बता रहा कि इंश्योरेंस फेल है, इंश्योरेंस का 2000, हेलमेट का 1000, 3000 रुपये निकालो हमको बोल रहे हैं। तो अब मैडम हमको फोन किया, मैडम वहाँ पहुँच गई है ये वहाँ स्टैंड में बस स्टैंड में, वहाँ से उन्होंने कहाँ पर आ गए, हम बोले यहाँ पे हम खड़े हैं। अब तो ऊपर आपसे अभी हम पैसा नहीं लेंगे, ये बोल रहे हैं पैसा हम आपसे अभी नहीं लेंगे, आपका कटेगा बाद में, मैसेज कटेगा, हाँ प्लान कट गया है अब बाद में। बोले कहाँ जा कहाँ रहे, कौन है आपके, हम बोल रहे हैं हमको पूछ रहा है ये कौन है पीछे बैठे हुए, तो हम बोले इनका ये छूट रहा है, ये गाड़ी छूट रहा है, बस छूट रहा है, हाँ जल्दी जल्दी हम आ रहे हैं तुरंत, हम बात करते हैं, गाड़ी छूट रहा है तुरंत पहुँचाने दीजिए उसके बाद बात करते हैं। तब तक से बोले ठीक है, चलान कट गया आपका, निकल गया वहाँ से। तब हम वही टेंशन में थे कि कहीं हमको शाम तक कहीं मैसेज ना आए मोबाइल में, 2 दिन बीत गया, 3 दिन बीत गया, लेकिन मेरे में मैसेज नहीं आया, तो नहीं काटा डरा दिया तुमको, बचा दिया रे बाबू, बचा दिया।